साँचो प्रेम प्रभु से होवे मूरत बोले काठ की, जीमो महारा साम धनी जिमावे बेटी जाट की। कर्माबाई, मित्रों कर्माबाई को मारवाड़ की मीरा भी कहा जाता है। जब जब भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख आता है तो कर्मा का नाम भी आ ही जाता है। वे भगवान की महान भक्त थी और भगवान श्री कृष्ण उनके हाथों से प्रतिदिन भोग ग्रहण कर भोग की थाली को खाली कर दिया करते थे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी एक और नई वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कर्माबाई की संपूर्ण जीवनी। कर्माबाई किस तरह से भगवान की इतनी बड़ी भक्त हुई कि आज भी भगवान जगन्नाथ मंदिर में खिचड़े का प्रसाद लगाया जाता है। कर्माबाई ने भगवान श्री कृष्ण को खिचड़ी का भोग लगाया था। किस तरह से वह इतनी बड़ी भक्त हुई हैं, किस तरह से उनकी श्रद्धा जो है भगवान में इतनी जागी, वो सभी कहानी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे मित्रों। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो साथियों, राजस्थान के नागौर जिले की मकराना तहसील में एक गाँव है जिसका नाम है कालवा। इस गांव में जीवन राम डूडी के घर पर 1615 ईस्वी में एक पुत्री का जन्म हुआ। भगवान की बहुत मन्नतें मांगने के बाद इसका जन्म हुआ था। नाम रखा गया था कर्मा। कर्मा के चेहरे पर एक अनोखी आभा रहती थी। जीवन राम स्वयं एक धार्मिक पुरुष एवं अनन्य कृष्ण भक्त थे। उन्होंने भगवान के नाम मदन मोहन से अपने घर में कृष्ण भगवान का एक मंदिर बना के रखा था। वे प्रतिदिन भगवान कृष्ण की पूजा करते थे और भोग लगाते थे तथा भगवान को भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण किया करते थे। यह उनके घर का नित्य का नियम था। इसी प्रकार समय बीतता गया। कर्माबाई प्रतिदिन अपने पिता को श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते हुए देखती थी, उनको भोग लगाते हुए देखती थी। यही सब देखते देखते कर्माबाई का बचपन बीत रहा था। अतः बचपन से ही उस नन्ही कर्मा में भक्ति भाव के संस्कार थे। इन्हीं संस्कारों के बीच पलते बढ़ते कर्मा 13 वर्ष की हो गई। एक बार जीवन राम को कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए पुष्कर जाना था। उनकी पत्नी भी उनके साथ ही जा रही थी। वे कर्मा को भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन एक समस्या थी कि उनकी अनुपस्थिति में भगवान का भोग कौन लगाता। इसलिए उन्होंने कर्मा को यह जिम्मेदारी सौंपी और बोले, पुत्री हम दोनों पुष्कर स्नान के लिए जा रहे हैं, तुम सुबह भगवान को भोग लगाना और उसके बाद ही भोजन ग्रहण करना। कर्मा ने यह जिम्मेदारी सहर्ष स्वीकार कर ली। माता पिता के तीर्थ यात्रा के लिए जाने पर कर्मा ने सुबह स्नान आदि कर बाजरे का खिचड़ा बनाया और पूजा के लिए अपने घर में बने भगवान के मंदिर के समीप आ गई। भोग की थाल भगवान के सामने रखकर हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, भूख लगे तो भोग लगा हुआ है, आप भोग ग्रहण कर लेना, तब तक मैं घर के और काम कर लेती हूँ। इसके बाद वह काम में जुट गई। बीच बीच में वह थाली देखने आती, लेकिन भगवान ने खिचड़ा नहीं खाया था। बहुत देर होने के बाद भी जब भगवान जी ने भोग ग्रहण नहीं किया तो उसे चिंता हुई कि क्या पता भगवान जी को खिचड़ा में स्वाद न आ रहा हो, इसलिए ग्रहण नहीं कर रहे हैं, इसमें घी या गुड़ की कमी रह गई हो। फिर जाकर उसने गुड़ और घी मिलाया और वहीं बैठ गई, लेकिन भगवान ने फिर भी भोग ग्रहण नहीं किया। तब मायूस होकर उसने कहा, हे प्रभु, आप भोग ग्रहण कर लीजिए, माँ बापू पुष्कर नहाने गए हैं, उनको भोग लगाने अभी कुछ दिन वो लोग नहीं आएंगे, आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसलिए आपके भोग लगाने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी। परंतु भगवान जी ने फिर भी भोग ग्रहण करना शुरू नहीं किया। फिर कर्मा ने उनसे शिकायत करते हुए बोली, माता पिताजी जब भोग लगाते हैं तब तो आप भोग ग्रहण कर लेते हैं, फिर आज क्यों भूखे बैठे हैं, इतनी देर हो गई है, खुद भी भूखे बैठे हैं और मुझे भी भूखा रखा है। यह सब बोलकर वह भगवान के भोग ग्रहण करने की प्रतीक्षा करने लगी। परंतु यह क्या, अब तो सुबह से दोपहर समाप्त हो गई, शाम हो चली थी। भूखी कर्मा अब रुआंस हो गई थी, मतलब रोने लगी थी और दुखी होते हुए रोते हुए बोली, हे भगवान जी, आप ग्रहण कर लीजिए भोग, अन्यथा मैं भी भूखी ही रह जाऊंगी। अंततः कान्हा के काठ की मूर्ति से आवाज़ आई। कान्हा बोले, कर्मा,
तुमने पट तो बंद किया ही नहीं, मैं भोग कैसे ग्रहण करूं। यह सुनकर कर्मा ने पट खींचकर ओट कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने खिचड़ी का भोग ग्रहण किया और थाली पूरी तरह से खाली कर दी। कर्मा ने पलट कर देखा तो भोग की थाली में भोग नहीं बचा था। तब कर्मा बोली, भगवान जी इतनी सी ही बात थी तो पहले बता देते, खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। इसके बाद कर्मा ने खिचड़ा खाया। अब तो प्रतिदिन कर्मा खिचड़ा बनाती और भगवान जी को भोग ग्रहण करने के लिए रख देती। इसी बीच उसे लगने लगा कि उसे सबसे पहले भगवान को भोग लगा देना चाहिए, क्या पता उन्हें जल्दी भूख लग जाती हो। साफ सफाई नहाने धोने के कारण भगवान के भोग में देरी हो जाती है। फिर वह सबसे पहले उठकर भोग बनाती और प्रभु को भोग लगा देती, फिर अपने दिन भर के काम करती रहती। कुछ दिनों बाद उसके माता पिता तीर्थ से लौट कर आए। आते ही पिता ने अपनी लाडली पुत्री से पूछा, पुत्री तुमने किसी भी दिन भगवान को भूखा तो नहीं रखा। कर्मा बोली, नहीं पिताश्री, मैंने भगवान जी को प्रतिदिन भोग लगाया। फिर जब माँ रसोई घर में गई तो देखा जाते समय गुड़ का मटका पूरा भरा था, अब खाली कैसे हो गया। उन्होंने कर्मा को बुलाया और पूछा, पुत्री गुड़ कहाँ है। कर्मा ने बताया कि रोज भगवान कृष्ण उसके पास आते और खिचड़े का भोग ग्रहण करते, कहीं मिठास कम न हो जाए इसलिए खिचड़े में गुड़ ज़्यादा डाल दिया जाता था। उसने पहले दिन हुई परेशानी के बारे में भी बता दिया। कर्मा ने कहा कि भगवान जी ने बहुत देर तक ग्रहण नहीं किया था भोग, फिर मैंने पट बंद किए। यह सुनकर माता पिता चकित रह गए। वे जिन ईश्वर के आशीर्वाद हेतु इतनी दूर तीर्थ यात्रा पर गए थे, जिन्हें पाने के लिए लोग न जाने क्या क्या करते हैं, कहां कहां ढूंढते हैं, वे भगवान उनकी बेटी के हाथ से उनके घर में खिचड़ा खाते हैं, यह कैसे संभव है। उन्हें चिंता भी हुई कि बेटी बावली तो नहीं हो गई। ये भी सोच लिया कि क्या पता कर्मा ने ही पूरा गुड़ खा लिया हो। इस पर कर्मा ने कहा, अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं तो कल फिर देख लीजिए, मैं खुद भगवान को भोग लगाऊंगी। इस आश्चर्य से वे रात भर सो नहीं पाए। दूसरे दिन कर्मा ने खिचड़ा बनाया और मंदिर में भोग की थाली रखकर पट बंद कर दिया और बोली, हे भगवान जी, ये लोग नहीं मान रहे हैं कि मैंने आपको ही गुड़ खिलाया है, अब आप भोग लगाकर स्वयं सिद्ध कीजिए। भक्त की पुकार सुनकर भगवान को आना ही था और कान्हा खिचड़ा खाने आ गई। जब पट खुला तो जीवन राम और उनकी पत्नी आश्चर्यचकित थे कि भोग की थाली में भोग बचा ही नहीं है। फिर कर्मा का जीवन प्रतिदिन भोग लगाते ही निकला। जब उनके माता पिता नहीं रहे तब वे एक दिन अपने कान्हा की मूर्ति साथ लेकर तीर्थाटन के लिए निकल पड़ी, परंतु भगवान की कृपा से उन्हें हर दिन खिचड़ा बनाने के संसाधन मिल ही जाते और वे प्रतिदिन कान्हा को खिचड़ा खिला देती। तीर्थाटन करते हुए देवी कर्मा भगवान जगन्नाथ की नगरी में पहुंची और वहां रहने का मन बना लिया। वहां भी रोज भगवान को खिचड़े का भोग लगाती और पट बंद कर देती। भगवान भी प्रतिदिन उसके भोग को ग्रहण करने के लिए वहाँ आते। जिस दिन उन्होंने पहली बार जगन्नाथपुरी में खिचड़ा बनाया, उसी दिन उनके पास से जा रहे एक बालक ने उनसे कहा, माता, घी की बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है, क्या भोजन बना रही हैं। देवी कर्मा ने कहा, हाँ बालक, भोजन बना रही हूँ, तुम बैठो, मैं तुम्हें भी देती हूँ। यह कहकर देवी कर्मा ने उस बालक के लिए भी खिचड़ा लगा दिया। बालक पूरे मन से स्वाद लेकर खा रहा था। देवी कर्मा को यह देखकर सुख की अनुभूति हो रही थी। उस बालक ने खाते खाते पूछा, माता, क्या मैं कल भी आ जाऊं? तो भी मुझे खिचड़ा खिलाओगी? यह सुनकर देवी कर्मा मुस्कुराई और बोली, हाँ पुत्र, तुम यदि प्रतिदिन आओगे तो मैं प्रतिदिन तुम्हें खिचड़ा खिलाऊंगी, तुम निसंकोच आना। यह सुनकर बालक प्रसन्न हुआ और प्रतिदिन देवी कर्मा के पास खिचड़ा खाने आया करता था। एक दिन जब वह बालक खाना खाकर जा ही रहा था, तभी उसने देखा कि एक साधु बाबा वहां आकर देवी कर्मा से कह रहे थे कि हे देवी, आप बहुत धार्मिक महिला हैं, भगवान को प्रतिदिन भोग लगाकर खाती हैं, परंतु इन सब के भी नियम होते हैं, आपको बिना नहाए ऐसा नहीं करना चाहिए।
आप तो भगवान की परम भक्त लगती हैं। सो हे देवी, प्रतिदिन साफ सफाई करने के बाद नहा धोकर ही भगवान को भोग बनाया करें और लगाया करें। यह सुनकर देवी कर्मा ने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, जी साधु बाबा, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगी। मैं इस बात से अनभिज्ञ थी। फिर साधु बाबा वहाँ से चले गए। अगले दिन से देवी कर्मा साफ सफाई कर नहा धोकर भोग बनाने लगी, परंतु अब भोग लगाने में देरी हो जाती और जब तक भोग नहीं लगता उस बालक को भी भोजन नहीं मिलता। बालक आकर माता से कहता, माता देर हो रही है, भूख लग रही है, भोजन दो। माता कहती, थोड़ी देर रुक जाओ लला, मैं दे रही हूँ। बालक जल्दी जल्दी खाकर भाग जाता। कुछ दिन ऐसे ही बीते, परंतु यह कौन जानता था कि वह बालक साक्षात भगवान जगन्नाथ ही थे, जो प्रतिदिन बालक का रूप धारण करके कर्माबाई के हाथ से बना खिचड़ा खाने आते थे। इतने दिनों में जब जगन्नाथ मंदिर में भगवान का पट भोग के लिए खुलता तो भगवान के मुख पर खिचड़ी का चूठन लगा रहता था। एक दिन पुजारी ने मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा, हे प्रभु, आपकी लीला भी अपरंपार है। जाने किस भाग्यवान भक्त के यहाँ आप जाकर प्रतिदिन खिचड़ा खाकर आते हैं। फिर पूजा अर्चना हुई, दिन बीत गया, रात्रि हुई। रात्रि को पुजारी के स्वप्न में भगवान जगन्नाथ आए और उन्होंने पुजारी से कहा, हे भक्त, तुमने सही पहचाना। मैं अपनी एक अनन्य भक्त कर्माबाई के यहाँ प्रतिदिन उनके हाथ से बना खिचड़ा खाने जाता हूँ। वह मुझे बिल्कुल अपने पुत्र सा लाड़ करती हैं। उनकी भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ। परंतु इसी मंदिर के एक साधु ने उन्हें कुछ आम जीवन की ज्ञानवर्धक बातें एवं उपासना का तरीका समझाया है, जिससे मुझे भोग लगाने में अब उनसे देरी हो जाती है। इसी वजह से मेरे मुंह पर खिचड़ा लगा रह जाता है। प्रभु की लीला भी अपरंपार है, वह तो सर्वव्यापी हैं। एक ही समय अलग अलग स्थान पर हो सकते हैं, परंतु मुख पर खिचड़ा लगाने की लीला उन्होंने इसलिए रची ताकि पुजारी के मन में यह प्रश्न उठे। उस प्रश्न के निवारण में प्रभु पुजारी जी को यह बता सकें कि आम जीवन में हम अपने ज्ञान को जब दूसरों को बताते हैं तो वह सदैव ज्ञान के लिए होना चाहिए, ना कि भक्ति के भाव को बदलने के लिए। क्योंकि सांसारिक जीवन के लिए ज्ञान आवश्यक है, ज्ञान महत्वपूर्ण है, परंतु जहाँ भक्ति होती है वहाँ ज्ञान का कोई काम नहीं है। भक्ति में भक्त अपने प्रभु के प्रेम में डूबा रहता है। उपासना के कई तरीके हैं। जितने उपासक उपासना के उतने तरीके। जब ईश्वर ने ही उपासना के तरीकों पर प्रश्न नहीं उठाया तो किसी को भी किसी और की भक्ति पर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। साधु गलत नहीं थे, साधु अपने ज्ञान के हिसाब से ही कार्य कर रहे थे, वह सही थे। परंतु उन्हें यह नहीं पता था कि जो महिला प्रभु को बिना नहाए खाना देती है उसका भाव सिर्फ इतना था कि मेरे प्रभु को जल्द खाना मिल जाए, वह भूखे ना रह जाए, और यह प्रेम भाव प्रभु के लिए हर नियम के ऊपर था। इन बातों को सुनकर पुजारी जी ने साधु बाबा को बुलवाकर यह बात कही। साधु बाबा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि वह भगवान और भक्त के बीच में आ रहे हैं, और उन्होंने बिना समय गवाए माता कर्मा के पास जाकर कहा, हे देवी, आप जैसे प्रभु को पहले भोग लगाती थी वैसे ही लगाइए, मैं आपकी भक्ति नहीं समझ पाया, इसलिए मुझे क्षमा करें। देवी कर्मा ने कहा, जी ठीक है, मैं कल से फिर से उसी समय पर वैसे ही भोग लगाऊंगी। माता कर्मा ने फिर उसी तरीके से भोग लगाना शुरू कर दिया और भगवान के मुख पर खिचड़े का जूठन अब नहीं लगा होता था। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। एक दिन पुजारी जी ने देखा भगवान की आंखों से आंसू बह रहे हैं और वह भोग ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तब उन्होंने मन ही मन प्रफुल्ल से पूछा, हे प्रभु, ऐसा कौन सा अपराध हुआ हमसे कि आपने भोग ग्रहण नहीं किया और आपकी आंखों से आंसू भी बह रहे हैं। प्रभु, यदि हमसे कोई अपराध हुआ है तो हमें क्षमा करें और भोग ग्रहण करें। आपके भक्तजन प्रसाद के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं।
फिर क्या था, भक्त वत्सल प्रभु ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, परंतु प्रभु के भोग देर से ग्रहण करने की बात और उनकी आंखों से अश्रु बहने की बात पूरे प्रजा में तेजी से फैल गई। यह बात महाराज तक जा पहुंची। महाराज अति शीघ्र मंदिर पहुंचे और वे पुजारी जी से विचार विमर्श करने लगे। फिर उन दोनों ने भगवान के पास हाथ जोड़कर विनती की कि हे प्रभु, कृपया हमें बताएं कि इस बात का क्या संदेश है। रात्रि पहर जब वह सो रहे थे तब भगवान राजा के सपने में आए और उन्होंने कहा कि मेरी एक अनन्य भक्त थी कर्माबाई, जो प्रतिदिन मुझे खिचड़ी का भोग लगाती थी और मैं प्रतिदिन उनके यहाँ बालक रूप में जाकर खाया करता था, परंतु आज उन्होंने अपने अंतिम श्वास लिया है और मुझ में सदैव के लिए लीन हो गई। अब मुझे बालक की तरह प्रेम कर खिचड़ा कौन खिलाएगा। यह सुनकर महाराज ने सपने में ही भगवान से कहा कि प्रभु, आज से प्रतिदिन आपके भोग में कर्माबाई का खिचड़ा भी चढ़ेगा। यही सपना उन्होंने अपने दरबार में सुनाया और उसी दिन से भगवान जगन्नाथ के भोग में कर्माबाई का खिचड़ा भी चढ़ने लगा। यह थी भक्त कर्माबाई की कथा और उनके खिचड़ी से जुड़ी प्रभु की लीला। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। यह एक सच्ची कहानी है जिससे आप यह समझ सकते हैं कि आज की डेट में भी जगन्नाथ मंदिर में सबसे पहले कर्माबाई यानी कि खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। तो साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ में शेयर अवश्य करें। इसके साथ ही हम इसी तरह की धार्मिक वीडियोज़, नॉलेजेबल वीडियोज़, जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ब्रज आस्था को सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।